8259 आईसी के बारे में पढ़ेंगे। 8259 एक इंटरप्ट कंट्रोलर आईसी है जिसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। इस इंटरप्ट कंट्रोलर के द्वारा हम इंटरप्ट्स को हैंडल करते हैं। जैसा कि हमने 8085 में देखा कि उसमें 5 हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं, लेकिन इस आईसी के द्वारा हम INTR पिन से माइक्रोप्रोसेसर की एक EIC कनेक्ट करके और इसके द्वारा हम और एडिशनल इंटरप्ट्स को इनेबल कर सकते हैं, उनको भी काम में लिया जा सकता है। ये जो इंटरप्ट कंट्रोलर आईसी है, इसका 8259 इसका नंबर है और ये एक प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है जिसमें टोटल 28 पिन होती हैं। इस 8259 पिन इंटरप्ट कंट्रोलर के द्वारा 8 इंटरप्ट्स को मैनेज किया जा सकता है और उन 8 इंटरप्ट्स को मैनेज करने के लिए इसके अंदर एक कंट्रोल रजिस्टर होता है। उस कंट्रोल रजिस्टर में हम उसकी प्रायोरिटी सेट करते हैं। इस तरीके से हम उन 8 इंटरप्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, यानी कि प्रायोरिटी हम सेट कर सकते हैं उन 8 इंटरप्ट्स की। इसके लिए माइक्रोप्रोसेसर में जो INTR पिन है उस पिन से हम इस 8259 की INT पिन को कनेक्ट करते हैं, जिसका भी हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। इस 8259 में जो 8 इंटरप्ट्स होंगे उन सभी इंटरप्ट्स का एक मेमोरी एड्रेस होता है, जिस मेमोरी एड्रेस पर एक सर्विस सबरूटीन लिखा हुआ होता है इंटरप्ट्स का, यानी कि जैसे सपोज IR0 इंटरप्ट इनेबल हुआ तो IR0 जब इंटरप्ट इनेबल होगा तो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे हमारा कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, यानी एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे क्या लिखा होगा, वहाँ पे इंटरप्ट सर्विस सबरूटीन लिखा हुआ होगा जो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद माइक्रोप्रोसेसर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। इस 8259 में 3 मोड्स होते हैं, इंटरप्ट्स को हैंडल करने के 3 मोड होते हैं। पहला है फुल्ली नेस्टेड मोड, दूसरा है ऑटोमेटिक रोटेशन मोड और तीसरा है स्पेसिफिक रोटेशन मोड। आज हम इस वीडियो में इसके ब्लॉक डायग्राम की चर्चा करेंगे। इस ब्लॉक डायग्राम में 8259 में 8 ब्लॉक्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इन ब्लॉक्स के अंदर ये हमारा ऊपर कंट्रोल लॉजिक है, ये INTA बार पिन है, ये INT पिन है, ये ISR है इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर है, ये IRR है इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, ये IMR है इंटरप्ट मास्केबल रजिस्टर जो मास्किंग के काम आता है, ये डाटा बस बफर है, ये रीड राइट लॉजिक है और ये कैस्केड बफर ऑब्लिक कंपेरेटर। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। डाटा बस बफर, जिससे कि हम देखते हैं डाटा लाइंस जुड़ी हुई हैं, यहां हम देख रहे हैं डाटा लाइंस जुड़ी हुई हैं D0 to D7, ये बाई डायरेक्शनल है, यानी दोनों साइड में ही डाटा आ भी सकता है और डाटा जा भी सकता है, दोनों साइड में डाटा ट्रेवल करता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, 8259 माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल वर्ड लेता है जो इसके कंट्रोल लॉजिक को ट्रांसफर करता है, यानी कि हमें 8259 को प्रोग्राम करना है उसके लिए हमें कंट्रोल रजिस्टर में कंट्रोल वर्ड भेजना होता है। वो ये माइक्रोप्रोसेसर से 8085 से D0 to D7 पिन्स के थ्रू इस पर आता है और वो कंट्रोल रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको फुल्ली नेस्टेड मोड में करना है या और दूसरे नेस्टेड मोड में करना है किसी या दूसरे किसी मोड में करना है, किस मोड में हमें उन इंटरप्ट्स को हैंडल करना है, ये हम इसके द्वारा लागू कर सकते हैं।
आफ्टर सेलेक्शन ऑफ इंटरप्ट 8259 किसी इन्हीं D0 to D7 पर जब कोई इंटरप्ट आ जाता है तो माइक्रोप्रोसेसर को उस इंटरप्ट का, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेमोरी का जो एड्रेस है जहां उस पर्टिकुलर इंटरप्ट का सर्विस सब रूटीन लिखा हुआ है, वो एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर को इन्हीं डाटा लाइंस के थ्रू भेजा जाता है, जिससे कि माइक्रोप्रोसेसर कॉल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है और अपने प्रोग्राम को के एग्जीक्यूशन को वहाँ पर शिफ्ट कर देता है, उस जगह से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करें रीड राइट लॉजिक की। रीड राइट लॉजिक में एक पिन है A0 जो एड्रेस पिन है। जब ये पिन जीरो होती है तो कंट्रोलर जो है यानी 8259 इज सेलेक्टेड टू राइट ए कमांड। एक कमांड राइट करता है कंट्रोल लॉजिक में, यानी कि वो D0 टू D7 से कंट्रोल वर्ड लेता है और कंट्रोल लॉजिक में स्टोर कर देता है, तब जब A0 पिन जीरो है, लॉजिक जीरो पर है। और यदि वो लॉजिक वन पर है तो ये 8259 का स्टेटस रीड करता है, भेजता है माइक्रोप्रोसेसर को। डिपेंड करता है साथ के साथ A0 के साथ रीड बार और राइट बार पिन्स के ऊपर। रीड बार के थ्रू रीड एक्शन होगा, राइट बार के थ्रू राइट एक्शन होगा। ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है रीड राइट लॉजिक, ये तब काम करेगा जब इसमें जो पिन है चिप सेलेक्ट, जब ये इनेबल होगी यानी जीरो होगी। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं ये जीरो पिन यहाँ डैश लगा हुआ है, यानी ये एक्टिव लो है। जब ये एक्टिव हो, ये ब्लॉक एक्टिव तब होगा जब ये पिन लो होगी, और ये रीड बार, राइट बार और A0। इसके साथ ही हम आते हैं कंट्रोल लॉजिक पर। ये जो ब्लॉक है, ये कंट्रोल ब्लॉक लॉजिक ब्लॉक जो है, ये एक तो हर ब्लॉक के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उनके कार्य को कंट्रोल करता है, किसको कब क्या काम करना है ये भी यही कंट्रोल करता है। जो इसकी पिन INT है, वो जैसा मैंने पहले बताया 8085 माइक्रोप्रोसेसर के INTR से जुड़ी रहती है। और दूसरी जो पिन है INTA बार, ये माइक्रोप्रोसेसर के INTA बार से जुड़ी रहती है, उसमें भी एक INTA बार पिन होती है जैसा हम पहले देख चुके। जब ये माइक्रोप्रोसेसर कोई इंटरप्ट आता है और माइक्रोप्रोसेसर उससे INTA बार पिन के थ्रू उसको एक्नॉलेज भेजता है 8259 को। इसकी वर्किंग हम बाद में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर IRR, ये क्या काम करता है? इट स्टोर्स ऑल द इंटरप्ट्स IR0 से IR7 तक। जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, IR0 से IR7 तक लाइंस हैं, इनमें जितने भी इंटरप्ट्स आएंगे, चाहे IR0 टू IR7 आठ इंटरप्ट्स हो गए, चाहे 8 के 8 आए, चाहे 4 आए, चाहे 3 आए, चाहे 2 आए, जितने भी इंटरप्ट्स आएंगे वो सब IRR रजिस्टर में स्टोर हो जाएंगे। इस स्टोरेज का क्या मतलब है, इससे ये पता चलता है 8259 को कि कौन कौन से पिन से इंटरप्ट के लिए रिक्वेस्ट आ रही है। दूसरा रजिस्टर है इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर, जो ये एक ऐसा रजिस्टर है IR0 से IR7 तक जो भी इंटरप्ट आए हैं उनमें से जो इंटरप्ट करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है वो इस सर्विस रजिस्टर में ISR में स्टोर हो जाता है। उसकी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है कि एट प्रेजेंट कौन सा इंटरप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। एक दूसरा ब्लॉक है इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। इंटरप्ट मास्क रजिस्टर इंटरप्ट्स को मास्क करने के काम आता है। IR0 से IR7 तक हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये फैसिलिटी होती है कि हम चाहें तो किसी 2 को या 3 को हम मास्क कर सकते हैं, मास्किंग की जा सकती है। ये IMR इस पर्पज के लिए काम में आता है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी रिजॉल्वर। प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या करता है, ये
तीनों जो अभी हमने ब्लॉक पढ़े IRR, ISR और IMR, इन तीनों ब्लॉक्स को चेक करता है और उसके बाद प्रायोरिटी को सेट करता है कि अब नेक्स्ट कौन सा इंटरप्ट एग्जीक्यूट होगा। ये प्रायोरिटी रिजॉल्वर तय करता है, और तय के कब करता है, जब ये तीनों रजिस्टर्स को, तीनों ब्लॉक्स को चेक कर लेता है। इसके बाद एक ब्लॉक हमने देखा था कैस्केड बफर। कैस्केड बफर जो ब्लॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। देखिए अभी हमने बात जो जितनी पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा है कि 18259 को 8085 से कनेक्ट कर देते हैं और इंटरप्ट्स को, आठ इंटरप्ट्स को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन कैस्केड बफर के द्वारा हम जो IR0 से IR7 तक इंटरप्ट्स हैं, हर एक इंटरप्ट लाइन के थ्रू, हर एक इंटरप्ट लाइन से एक अलग 8259 ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ IR0 से IR7 आठ लाइन्स हैं, आठ 8259 इसमें ऐड हो सकते हैं, और इसके द्वारा हर एक 8259 में आठ इंटरप्ट होंगे, तो हमारी टोटल इंटरप्ट हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़कर 64 हो गई, 64। वो इस कैस्केड बफर के द्वारा किया जाता है। इसमें एक पिन है SP/EN, जिसको हम कहते हैं स्लेव प्रोग्राम ऑब्लिक इनेबल बफर। इसमें जो मेन 8259 है, जिसकी आठ लाइंस पर हमने आठ अलग 8259 ऐड किए हैं, उस मेन 8259 आईसी को मास्टर मोड में काम करती है, वो मास्टर बनाते हैं, और बाकी के जितने भी 8259 हमने कनेक्ट किए हैं, आठ किए हैं या चार किए हैं या पांच किए हैं, वो सारे स्लेव मोड में काम करते हैं। तो ये जो बफर कैस्केड बफर है, ये पर्टिकुलर बफर यानी कि पर्टिकुलर ब्लॉक इस काम में आता है। इसके लिए इसमें तीन पिन होती हैं, CAS0, CAS1, CAS2। थैंक यू।